जूता जी, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा क्योंकि आपने ज्ञान की इस मंदिर की स्थापना की, मेरे पूर्वजों के ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध करवाया। कदाचित मेरे पूर्वजों की भी यही मनोकामना हो सकती है। बस मैं जीवन भर आपका ऋणी बन गया हूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। किंतु तुम्हें बता दूं, इतने से कुछ नहीं होगा। अरे, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और मेरे पास इसका एक सुझाव भी है। हाँ, अवश्य बोलिए। राधा, अपने मन में जो भी बात है कह दो। मेरे मन की बात? तुम्हारे ही मन की बात। जो भी मन में बात है संकोच मत करो, आत्मविश्वास के साथ कह दो। मैं कह रही हूँ ना। हाँ राधा बेटी, कहो। अपनों के सामने हिचकिचाते नहीं, कहो ना। बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रातः एक प्रहर इस ज्ञान मंदिर की सेवा करूँ। वो क्या है ना, हमारे घर की बहुएं घर का काम काज छोड़कर यूं लोगों के मध्य बैठ के ज्ञान नहीं बांटा करती। ऐसा संभव नहीं है। इसे बात करने की अनुमति किसने दी? तो मेरी अनुमति का बिना बोल कर सकते हो क्या? बंद है चटिला, मैंने कहा ना, जो अच्युता जी चाहेंगी वैसा ही होगा। और यदि राधा ये कार्य करना चाहती है तो उसे करने दो ना, ये तो अच्छी बात है। जी धन्यवाद बाबा। किंतु राधा, एक बात स्मरण रहे, एक ज्ञान की गंगा है, ये हर एक व्यक्ति के लिए निश्चल और निर्विरोध होकर बहनी चाहिए। इसी को कभी भी ज्ञान की लेवना मत करना। अवश्य। भला मैं किसी को ज्ञान अर्जित करने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ अजूता जी? शाबाश। क्या कर रहे हो? मैंने सुना है यहाँ ज्ञान बट रहा है। कहाँ है ज्ञान, मुझे भी बताओ, मुझे भी चाहिए थोड़ा ज्ञान। देखो, तुम्हारे यहाँ आना किसी को नहीं भाने वाला। अभी इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। तुम सबकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मेरा यहाँ आना तुम्हें भी नहीं भाताया था। ठीक है, कदाचित मेरा यहाँ से अभी इसी क्षण चले जाना ही उचित होगा। ये कदाचित ये ज्ञान मंदिर किसी किसी के लिए ही है, सबके लिए तो नहीं है ये ज्ञान। चलो, मैं तो चला। ये ज्ञान की गंगा है, इसी को कभी भी ज्ञान के लिए मना मत करना। कृष्ण, रुको। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि तुम यहाँ पर आके ज्ञान अर्जित करो तो। ये हुई ना राधा वाली बात। किंतु हाँ, तुम केवल ज्ञान अर्जित करने आओगे, मुझे सताने नहीं। अरे, वैसे भी कल सूर्यास्त से पूर्व तक ये सारा ज्ञान ग्रहण कर लूंगा। मैं अधिक समय तक यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, तो तुम्हें
तुम्हें सताने का तो प्रश्न उठता ही नहीं, छोड़ दो तुम चिंता। अच्छा कुछ अधिक नहीं बोल रहे हो तुम, कल सूर्यास्त से पूर्व सारा ज्ञान अर्जित कर लोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? स्वयं देख लेना, तुम देख लेना स्वयं मैं कैसे करता हूँ, और मेरा वचन है मैं केवल इसे ग्रहण नहीं करूंगा बल्कि सारा ज्ञान इसका सार भी तुम्हें सुनाऊंगा। ये तो असंभव है। अब यदि राधा असंभव कह रही है तो उसे संभव करना कृष्ण का कर्तव्य है। कृष्ण